आप देख रहे हैं अनूपर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। रामगढ़ के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभागार में सहगल फाउंडेशन द्वारा करवाए जा रहे हैं शाला में पुनः निर्माण संबंधित कार्यों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। एसडीएमसी, एसएमसी, बीडीसी की संयुक्त बैठक का आयोजन प्रधानाचार्य रमेश पालीवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सहगल फाउंडेशन के द्वारा दीपिका भाटिया के नेतृत्व में करीब 20 मार्कर व साबुन कमेटी के सदस्यों को बांटी गई। अध्यापक सुरेश नागपाल द्वारा बताया गया कि सहगल फाउंडेशन द्वारा करवाए जा रहे कार्य का विस्तृत से वितरण किया। उन्होंने बताया कि सहगल फाउंडेशन के द्वारा 24 लाख रुपए का विद्यालय विकास कार्य के लिए स्वीकृत किया गया है। सहगल फाउंडेशन द्वारा करवाए जा रहे हैं पुनः निर्माण कार्य संबंधित कार्यों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए बैठक आयोजित की गई। जन सहयोग से विद्यालय विकास कार्य के लिए आमजन से 1 लाख का चंदा इकट्ठा कर बैंक के खाते में जमा करवा लिया। सहगल फाउंडेशन द्वारा विद्यालय विकास कार्य के लिए 24 लाख रुपए स्वीकृत किए गए और विद्यालय में मरम्मत कार्य चालू है। विद्यालय में प्रांगण में रंग पेंट का कार्य पूरा हो चुका है। विद्यालय में प्रिंटिंग का कार्य चल रहा है। वह सहगल फाउंडेशन द्वारा बच्चों को प्रोग्राम के लिए स्टेज बनाया गया है जिसमें टाइल का कार्य पूर्ण हो चुका है। बैठक में विकास प्रभारी राम बाबू शर्मा ने कार्य के प्रगति का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया है। प्रभारी राजेंद्र खन्नी ने अनुपयोगी फर्नीचर की नीलामी और स्कूल के चौक बरत संबंधी कार्य के बारे में बताया। बिल्डिंग के बारे में कभी दिवस जो पिछले 3-4 महीने से 6 महीने से लगातार देख रहे हैं तो इस तरह की बातें डिस्कशन की जानी है। उस संदर्भ में हम लगभग को भी आमंत्रित करेंगे, वो आकर के इस विषय में कार्य की प्रगति को लेकर के अपना विचार रखें। सर्वप्रथम दीपक जी हैं और एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और एसडीएमसी तीनों की आज संयुक्त मीटिंग है और पहले भी बहुत कम अंतराल में इस तरह की मीटिंग आयोजित की जा चुकी है। मेरे स्टाफ के समस्त गणमान्य सदस्य आदरणीय पूर्ण सिंह जी, मांगीराम जी, करण सिंह जी और तीनों कमेटी और भाग्य मंडी का चाहिए और आज पहली बार इन तीनों की संयुक्त मीटिंग है। लक्ष्य वही है जो निर्माण कार्य चल रहा है बारे में जो हो चुका उसके बारे में बताया जाए, जो बाकी है उसके बारे में बताया जाए, आपके ओपिनियन क्या है उसके विषय में, जो कार्य की गुणवत्ता को लेकर के आप कैसा महसूस कर रहे हैं उस संबंधी सुझाव आप दे सकते हैं। और जो एक नई चीज है उनके बारे में पिछली बार डिस्कशन नहीं की गई वो है स्कूल का जो चौक, कोई भी संस्था जब इस तरह का काम करके बरतता तो 16/10/2020 को शाला के सभागार में VDC, SMC, SDMC की संयुक्त मीटिंग बुलाई गई। इसका मूल लक्ष्य ये था सहगल फाउंडेशन की ओर से जो निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसके लिए 24 लाख रुपए सहगल फाउंडेशन दिया और 1 लाख रुपए जनसेवक से इकट्ठा किया, उस कार्य की प्रगति, उसकी समीक्षा और शेष रहे कार्यों में सुझावों के संदर्भ में मीटिंग आयोजित की गई है। जो फर्नीचर जो नीलाम किया जा सकता था उस नीलामी से जो प्राप्त राशि हुई उसकी जानकारी लोगों को दी गई है और जो अभी भरत का कार्य जो किसी और एजेंसी के द्वारा संपादित नहीं किया जा सकता उससे जनसहयोग की भी लोगों से अपेक्षा की गई कि जिन लोगों से हम अभी तक नहीं मिल पाए उनसे मिल करके बाकी का जनसहयोग करके भरत कार्य करें, क्योंकि जब वो कार्य जब तक पूरा नहीं होगा उसकी गुणवत्ता हमको अच्छे से दिखाई नहीं देगी। लोगों ने अपना जो SMC, SDMC और VDC के जो मेंबर्स हैं उन्होंने कार्य के प्रति अपना संतोष व्यक्त किया और ऐसा लग रहा है कि ये स्कूल के इतिहास में एक माइलस्टोन का काम करेगा। ये कार्य जो हुआ है अगले 20-30 साल तक स्कूल में निर्माण कार्य संबंधी कोई और कार्य कराने की आवश्यकता नहीं होगी। बैठक में सभी जो समितियां हैं तीनों उनके सदस्यों ने भाग लिया। आदरणीय प्रधानाचार्य रमेश पालीवाल जी ने बैठक को एड्रेस किया और राम बाबू जी ने अपनी कार्य की प्रगति का विवरण सबके समक्ष पेश किया।